कैसे हो दोस्तों 1951 में भगवान दादा की एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी अलबेला भगवान दादा खुद हीरो थे गीता बाली राजेंद्र कृष्ण के गीत थे और श्री रामचंद्र का म्यूजिक था उसमें लता दीदी और श्री रामचंद्र का एक बहुत ही मशहूर गाना था भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे ये गाना इस वक्त आलोक इंडस्ट्रीज के फॉर्मर प्रमोटर सुरेंद्र कुमार भवन के ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त गोविंद भी मिस्त्री पेशे से ये वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर है और इन्होंने 2009 से 2014 के बीच में आलोक इंडस्ट्रीज का वाटर प्रूफिंग काम किए थे जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था अड़तीस लाख पैंतीस हजार दस रुपया और सुरेंद्र कुमार भवन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन पे फोर्स किया और फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मांगा फोर्सेबले और बाद में ये अमाउंट को उन्नीस लाख बासठ हजार सात सौ चौंतीस में सेटल किया दो हजार सोलह में महेश छह लाख रुपया देने के बाद आज तक बाकी का जो अमाउंट है तेरह लाख बासठ हजार सात सौ रुपए मेरे दोस्त को नहीं मिला उस वक्त से आज तक मेरे दोस्त फिल्लर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं अपना स्टैंडिंग पाने के लिए यह बात भी गौर करनी है कि हाल फिलहाल में सुरेंद्र कुमार भवन ने अपनी आलोक इंडस्ट्रीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज वेल एज फाइनेंशियल शियल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दी आज ये दोनों के पास 75 परसेंट होल्डिंग है और इस कंपनी पे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे तीस हजार करोड़ का लोन था और मोस्ट ऑफ द लोन वाज टेकन बाय देम फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में 83.33 .83 परसेंट का हेयर कट दिया गया यानी पच्चीस करोड़ माफ किए गए और तोहफे में पांच हजार करोड़ में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और जेम फाइनेंशियली इस कंपनी को टेक ओवर किए आज तक मेरे दोस्त को अपना आउटस्टैंडिंग नहीं मिला भले ही इन्होंने 17 सितंबर को अपनी लिखत में कंप्लेंट दी थी टू द कंसर्न अथॉरिटीज ये उसकी कॉपी है साथ में मेरा रिकमेंडेशन भी था यह उसकी कॉपी है और हाल फिलहाल में लास्ट सैटरडे नाइन्थ अक्टूबर 2021 को हमने फर्स्ट रिमाइंडर भी दिए ये सारी कंप्लेन ऑनलाइन जा रही है ऑफलाइन जा रही है रजिस्टर पोस्ट जा रही है लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है अब मैं मेरे दोस्त से कहूँगा फ्रंट में आए और आप अपनी आप बीती वित्तीय को इन डिटेल्स में बताए मेरा नाम गोविंद पी मिस्त्री है और मैं दो से 2014 तक आलोक इंडस्ट्रीज़ में वाटर प्रूफिंग का लीकेज का काम किया हुआ है और 2009 से 14 तक में मेरा जो बैलेंस है वो 38 लाख का था 38 लाख रुपए का तो मुझे एक बार सब लोगों को मिलने का मौका मिला तो मैं गया कंपनी में मिला उनको सब लोगों को तो मैं बताया कि भाई मेरा जो पैसा बाकी है सब इतना ही टाइम हो गया है अभी थर्टी एट लाख रुपीज़ बोले तो कोई मेरे लिए कम चीज़ नहीं है तो मैंने बोला कि सब पैसा दे दो मुझे मुझे काफ़ी लोगों को देना है वर्कर्स को देना है मटर वाले को देना है मेरे घर पर वर्कर्स लोग आके धमका रहे हैं मटर वाले भी आके धमका रहे हैं तो उनको देना है तो बोले हाँ दे, दे देंगे दे देंगे करके काफ़ी टाइम निकल गया फिर वापस छः महीने के बाद गया फिर वापस उसके बाद छः महीने के बाद उसी का उसी तरह का जवाब मिलता था हाँ पैसा मिल जाएगा पैसा दे देंगे वहाँ के जो चीफ है जो कंपनी के ओनर है सुरेंद्र सेठ उसको भी मिला हूँ वहाँ के जो रामविलास शर्मा करके वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी मिला हूँ उनको तो मैंने ऐसा बताया कि सर देखो आप पैसा नहीं देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि मेरी पोजीशन उतनी नहीं है कि मैं मटर वाले को दे सकूँ और लेबर को भी दे सकूँ मैं काफ़ी फंस चुका था मार्केट में भी मेरा नाम खराब हो चुका है क्या करूँ मैं सब नहीं तो मैं इसी कंपनी में आपकी ऑफिस में सुसाइड कर लूँगा ऐसा मैंने एक दो बार बताया फिर भी उसने मुझे बोला कि जाओ थोड़ा दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा फिर नहीं मिला एक बार अचानक मुझे कंपनी में बुलाया गया कि आप आइए अपना जो हिसाब किताब है वो कर लेते हैं मैं सब बिल और मेरे पास वर्क ऑर्डर्स थे सब बिल्स थे वो लेके गया और वहाँ थर्टी एट लाख का जो मेरा अमाउंट था कंपनी के पास बाकी वो सीधा सेटलमेंट करके उसने सीधा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देके सीधा बीस लाख रुपया कर दिया उन्नीस लाख बासठ हज़ार समथिंग बीस लाख रुपया तो बोले ये आपको मिलेगा मैं बोला सर ये, ये, ये इसमें भी मेरा मटल वाले का भी नहीं दे पाऊँगा क्या करूँ बोले लेना है तो लो नहीं तो आप कुछ भी करो पैसा मिलेगा नहीं अभी पैसा है नहीं करके मुझे भगा दिया वहाँ से थोड़ा दिनों के बाद मुझे छः लाख रुपया भेजा तीन तीन लाख रुपया करके दो बार छः लाख रुपया भेजा ऑनलाइन बैंक में डाला वो लोग ने उसके बाद 2016 में जो भेजा छः लाख आज 2021 तक में एक भी रुपया मुझे दिया नहीं है आज मेरी हालत उतनी ख़राब है कि मेरा जितना भी मार्केट में नाम था जो जहाँ से मटर लेता था आज मैं उसकी दुकान के सामने से गुजर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पाया हूँ मैं इधर उधर से करके थोड़ा मजदूरी करके भी थोड़ा थोड़ा दे के आज थोड़ा थोड़ा करके वर्कर्स को दे के अभी मटल वाले का जो भी पैसा बाकी है मटल्स का वो अभी तक मैं दे नहीं पाया हूँ वर्कर्स का भी दे नहीं पाया हूँ लेकिन फिर भी क्या करूँ मजदूरी करके भी थोड़ा थोड़ा देते जाता वर्कर्स को देता हूँ अभी तक कंडीशन ख़राब है मेरी बहुत हालत खराब है तो मैं यहाँ के जो મુખ્યમંત્રી હૈં કે ગૃહમંત્રી ઉનકો મેં રિક્વેસ્ટ કરતા હું કે અગર આપ કે પાસ એ વિડીયો પહોંચે એ ન્યૂઝ પહોંચે તો આપ મેરી મદદ કીજીએ ઓર હું મોદીજીને પણ કહેવા માગું છું કે મોદીજી હું ગુજરાતથી છું ધંધા રોજગાર માટે મુંબઈ આવેલો અને મને અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિકે અને ત્યાંના ઓફિસરોએ કામ કરાવીને ફસાવી દીધો છે તો આ દુવિધામાંથી મને બહાર કાઢો અને મને મદદ કરો અને મારા પૈસા મળી જાય એવું આપ કંપનીના ઓફિસર્સને અને એના માલિકને ફોનથી વાત કરો અથવા રિક્વેસ્ટ કરો કે મારા જેથી કરીને પૈસા મળી જાય હું તમારી પાસે નમ્ર વિનંતી અને આશા રાખું છું અને આજે હું એ એમ પાર્ટી કે ચીફ નયમભાઈ કો હું મું મુજે આશ્વાસન દિયા હૈ સાંત્વના દી હૈ ભરોસા દીયા કે મેં હો સકે ઉતની આપકો મદદ કરુંગા પૈસા નિકાલને આપકી હેલ્પ કરુંગા તો મેં વો આશા આયા થા आज मुझे लग रहा है कि मेरा काम कुछ होगा मुझे पैसा मिलेगा ऐसा मैं यहाँ के चीफ नवीम भाई से यहाँ के मंत्री, यहाँ के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और मोदी जी ने पास हूँ प्रार्थना करी और आशा राखु छू कि मारू आ काम कर आप जो जेथी कर मेरी जिंदगी बची जाए जय हिंद जय जैही भारत अभी आपने देखे किस तकलीफ़ से गुजर रहा है मेरा दोस्त गोविंद पी मिस्त्री और बचपने से हम सुनते थे कि समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है अब ये समंदर की बात ज़मीन पे आ गई है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन छोटे मोटे कॉन्ट्रेक्टर को किस तरीके से निगल रहे हैं अड़तीस लाख का काम उन्नीस लाख डिस्काउंट उन्नीस लाख में भी छः लाख मिला तेरह लाख के ऊपर बाकी है तो क्या ये सुरेंद्र कुमार बहुन क्या मेरे दोस्त पे एहसान कर रहा है लेबर इन्होंने लगाए मटेरियल इन्होंने लगाए खड़े रह के खुद सुपरविजन में काम कराए वाटर प्रूफिंग लीकेजेस से कितनी तकलीफ होती है वहां के जितने भी स्टॉक होंगे रॉ मटेरियल तो सब ख़राब हो जाते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मानसून इन्होंने प्रोटेक्ट किए मैं पर्सनली विजिट किया हूं सिलवासा मैंने आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखा हूं भले ही मैं वो अलग काम के सिलसिले में गया था पूरी लैंड बैंकिंग है उसके पास तो इस तरीके से छोटे बिजनेसमैन प्रोफेशनल का पैसा खा खा के आदमी बड़ा बना ये तो मुझे पता ही है कि इसने जितना भी बैंक से लोन लिया था इसके अवज में इसने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी इसने एस एसटी ओबीसी के वहां के रहने वाले मासूम देहातियों से गोनी भर भर के सौ सौ की नोट देकर उनसे ज़मीनें खरीदी मुझे सब पता है भले ही मैं सुरेंद्र कुमार भवन से नहीं मिला लेकिन ये जो चीट हो रहा है मेरे दोस्त के साथ ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे मैं वादा करता हूं मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर कम फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मैं मेरे दोस्त से वादा करता हूं कि मैं इसको इसका हक जरूर दिलाऊंगा सुरेंद्र कुमार बावन इनको चीट नहीं कर सकते उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो वायरल होगा टू द कंसर्न अथॉरिटी जितने को भी मैं दूंगा हिसाब के तहत मेरे दोस्त को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा मैं गोविंद मिस्त्री हाथ जोड़ के विनती करता हूँ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के जो भी रिलेटेड है मंत्री उसको मैं मैं हाथ जोड़ के बिनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मेरा पैसा जो बाकी हो दिला दीजिए आपकी मेहरबानी होगी शुक्रिया मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो भी हमारे न्यूज़ चैनल को इस वक्त देख रहे हैं आप हमारे न्यूज़ चैनल को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे अपना प्यार अपना सपोर्ट देंगे और अगर आपको लगता है कि हमारा न्यूज़ चैनल जो है वो कॉमन पर्सन के लिए है कॉमन पर्सन के जो मसले हैं उनके रिलेटेड बातें शेयर करता है बातें बताता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस न्यूज़ चैनल्स को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और आइकन प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को और हमारे न्यूज़ चैनल्स को शेयर करें शुक्रिया